हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स फैक्ट। तो आज वो दिन आ चुका है जब 8 टीमें अपने रिटेन प्लेयर्स के नाम सबमिट करने वाली है, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि आरसीबी ने अपने फैंस को एक बहुत बड़ा झटका दे दिया है। अब क्या झटका दिया है ये हम आपसे डिस्कस करेंगे। मेरे साथ है लक्ष्य और अभिषेक। तो कौन स्टार्ट करना चाहेगा उस झटके के बारे में? देखिए, वास्तव में जाहिर तौर पर जो खबर हम आपको देने वाले हैं, आप यकीन मानिएगा, आप उसको सुनकर हैरान रह जाएंगे और परेशान भी होंगे, क्योंकि आरसीबी का जो भविष्य था, जो एक स्टार खिलाड़ी था जिसके बारे में लगातार कही जा रही थी बातें कि आरसीबी के साथ ये खिलाड़ी आने वाले 5-6-7-10 साल रहेगा, उसको लेकर खबर है। और खबर आरसीबी को लेकर बहुत बढ़िया, क्योंकि विराट कोहली ने इस खिलाड़ी को बनाया है। 2-3 साल इस खिलाड़ी ने आरसीबी के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, रन बना कर दिए हैं, मैच जिताए हैं, लेकिन अब कंसिस्टेंटली जुड़े रहे थे आरसीबी से वो। और अभी एन मौके पर एक ऐसी खबर आ गई है उनको लेकर जो बहुत ही शॉकिंग है हम सबके लिए और आपके लिए भी होगी। और देखिए, वो खिलाड़ी कौन है? वो खिलाड़ी वो है जिसकी कल ही तो प्रवीण कुमार ने तारीफों के पुल बांधे थे। मतलब आप सोचिए, प्रवीण कुमार ने कहा था कि फ्यूचर के ना केवल आरसीबी के बल्कि इंडिया के स्टार है, इंडिया के स्टार है। और जैसा कि अभिषेक ने अभी कहा कि विराट कोहली ने उन्हें तैयार किया है, तो क्या आरसीबी विराट कोहली की मेहनत पे पानी फेर देगी? देखिए, मुझे देखिए खबर तो आ रही है, खबर तो आ रही है, पुष्टि नहीं कर रहे हैं, ऑफिशियल आ जाएगा तभी पता चलेगा, लेकिन ये बात तैसी लग रही है, तैसी लग रही है कि वो खिलाड़ी अब रिटेन नहीं होगा। और इस बीच हमें लगता था अभिषेक और लक्ष्य कि विराट कोहली का बहुत बड़ा रोल होगा, उनसे पूछा जाएगा, तो क्या विराट कोहली उनका नाम दिए होंगे कि रिटेन? क्या ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि विराट कोहली ने कप्तानी छोड़ दी, कप्तानी के बाद में उनके प्यारे दोस्त डिविलियर्स चले गए। क्या ये भी जो उनका साथी था जिसको तैयार किया, क्या ये भी चला जाएगा? मुझे लगता है, देखिए पर्सनली लगता है विराट कोहली ने कैप्टनसी छोड़ दी है। तो कोई भी अगर बड़ा खिलाड़ी होता है ना, तो वे कहता है देखिए मैंने कप्तानी छोड़ दी है, अब आप जिसको नया कप्तान बना रहे हो आप उनसे चर्चा करो, मैं इंटरफेयर नहीं करूंगा अब, क्योंकि नया कप्तान होगा, अगर आप उसी के अकॉर्डिंग टीम बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छी चीज़ रहेगी। और विराट कोहली समझते हैं क्रिकेट को, तो मुझे लगता है कि विराट कोहली का इंटरफेरेंस अब नहीं है। ओके, तो कौन बोलेगा नाम, कौन बताएगा, बोलिए। चलिए देखिए, मैं ही बताती हूँ नाम, और वो नाम है देवदत्त पाडिकल, जो इतने अच्छे खिलाड़ी हैं, इतने टाइम से उन्होंने आरसीबी को कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्मेंस दिया, इतने अच्छे परफॉर्मेंस के साथ वो दिखे, और अब एंड मौके पर जब आज वो दिन आ गया है रिटेन प्लेयर्स के नाम सबमिट करने का, तब ये बड़ी खबर आ रही है कि वो रिटेन नहीं होंगे। देखिए, वो तो रिटेन नहीं हो रहे हैं, लेकिन उनकी जगह कौन, उनकी जगह कौन हो रहा है? देखिए, क्या मैं मतलब आरसीबी से मेरा ये सवाल है कि करंट फॉर्म को देखते हुए आप ये फैसला ले रहे हो या आगे को भविष्य को देखते हुए? लेकिन देखिए, भविष्य शायद दोनों ही भविष्य है आरसीबी का। वो जिस खिलाड़ी को रिटेन कर रहे हैं उनका नाम है मोहम्मद सिराज, सिराज को रिटेन कर रहे हैं, वो भी भविष्य है। अब देखिए, जो काम पडिकल ने बल्लेबाजी में किया है आरसीबी के लिए, वही काम गेंदबाजी में सिराज ने किया है, और सिराज का भी प्रदर्शन है ना धीरे धीरे बढ़ता है। मतलब उनका जो सक्सेस रेट है ना वो बढ़ रहा है, वो कम नहीं हो रहा है। पडिकल के साथ भी यही चीज़ है, लेकिन मुझे लगता है कि इस फैसले के पीछे आरसीबी का मतलब क्या सोचना होगा, जितना मुझे समझ में आती है क्रिकेट, मुझे लगता है कि वो एक खासकर भारतीय गेंदबाज को लेना चाहते हैं, क्योंकि सभी टीमों की परेशानी होती है और खासकर आरसीबी की तो परेशानी है ही यही कि उन्हें कोई अच्छा भारतीय तेज गेंदबाज नहीं मिलता। तो देखिए, अगर सिराज है, सिराज ने इस बार बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, नई गेंद से भी विकेट लेते हैं वो और डेथ ओवर भी करते हैं, और उनकी यॉर्कर भी मतलब अंदर आती हुई यॉर्कर है उनकी, तो कहते हैं ना जिससे गिल्लियाँ मतलब गिर जाती है, वो वाली गेंदबाजी करते हैं। देखिए, फैसला गलत तो नहीं कहूँगा मैं आरसीबी का, हाँ ये जरूर कहूँगा कि देवदत्त पाडिकल शायद थोड़े अनलकी रहे। देखिए, हाँ मैं एक चीज से जोड़ना चाहता हूँ आरसीबी के इस फैसले को। देखिए, मैं 3 टीमों के नाम लूंगा और 3 टीमों ने नौजवान ओपनर्स को तैयार किया है। चेन्नई सुपर किंग की बात कर लीजिए ऋतुराज गायकवाड़, राजस्थान की बात कर लीजिए यशस्वी जायसवाल, और तीसरी थी आरसीबी जिसने पडिकल को तैयार किया। बाकी 2 टीमों की खबरें आ रही हैं कि वो ऋतुराज गायकवाड़ को रिटेन कर रहे हैं और राजस्थान भी यशस्वी जायसवाल को रिटेन, क्योंकि उनको पता है कि इन खिलाड़ियों को आपने तैयार किया, इनके ऊपर आपने इन्वेस्ट किया है। और पृथ्वी शॉ को रिटेन किया है,
शो को रिटेन किया, तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता था कि शायद आरसीबी को भी पर्टिकल को लेना चाहिए कि ओपनर बेहतर खिलाड़ी अगर आपके पास हो जो रन बना रहा है खासतौर पर और आने वाले 5 साल 10 साल आपके लिए टीम के लिए खेल सकता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि पर्टिकल के साथ शायद गलत है। अभिषेक मुझे एक नुकसान और होगा एक, क्योंकि आरसीबी को है ना आप देख लीजिए कि इस साल को छोड़ के जो पिछला आईपीएल गया है उसको आप छोड़ दीजिए, उससे पहले एक अच्छे ओपनर की तलाश हमेशा रही है और जिसकी तलाश उनकी 11 या 12 साल बाद पूरी हुई है, क्या अब 1 साल बाद वो छोड़ देंगे? बहुत बड़ा सवाल है। देखिए कन्फ्यूजन में आरसीबी मैनेजमेंट भी होगा, लेकिन अब क्या करें, करने तो 4 प्लेयर को रिटेन है। Exactly, मेरा यही बोलना है कि 4 प्लेयर रिटेन होंगे, तो आप बताइए अगर सिराज नहीं लेंगे, सिराज को नहीं लेते और देवदत्त पाडिकल को लेते, तो उनके पास चॉइस नहीं बचता कि वो सिराज को फिर नहीं रिटेन करेंगे तो उनके ऊपर बाकी टीम्स बोली लगाएंगे। देखिए एक चीज आती है कि 2 बल्लेबाज उन्होंने रिटेन कर लिए, मैक्सवेल विराट कोहली, ठीक है, एक स्पिनर कर लिया, अब उनको ये लगा होगा कि ठीक है यार देखिए 2 हो गए, एक तेज गेंदबाज भी होना चाहिए हमारे पास जो फ्यूचर को देखते में हुए हम उसको खिलाएंगे, क्योंकि हर क्षेत्र का आपको वो चाहिए ना, हर डिपार्टमेंट का आपको एक प्लेयर ऐसा चाहिए जिसके ऊपर आप विश्वास कर सके। सिराज विश्वास किया जा सकता है, लेकिन फिर सिराज क्यों, फिर तो हर्षल पटेल, फिर हर्षल, मेरा यही बात आ जाता है कि हर्षल पटेल फिर क्यों नहीं और सिराज क्यों। देखिए इस बार हमें पता है कि सारे टीम्स के बीच एक बाउंडेशन हो गया है कि आप 4 ही प्लेयर्स को ले सकते हैं और उनको काफी सारे अपने अच्छे प्लेयर्स छोड़ने पड़ रहे, रिलीज करने पड़े उनको। तो मैं आपको बता दूं आईपीएल में आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, सबसे सक्सेस टीम है मुंबई या फिर चेन्नई की बात कर लें दोनों की, इनके ओपनर्स हमेशा बेहतर रहे हैं, ओपनर्स अगर रन बनाते हैं तो टीम का विनिंग परसेंटेज ज्यादा रहता है, ये आप समझ लीजिए। टीम के पास जितने अच्छे ओपनर्स होंगे उतनी ही टीम बेहतर होगी, ये सबसे बड़ी बात है। मैं इसलिए एक ओपनर का बेहतर होना बहुत जरूरी था और पडिकल के लिए थोड़ा सा अगर ऐसा नहीं होता है तो सेटबैक, ये आप समझ लीजिए अगर पडिकल बिडिंग में जाएंगे उनके पीछे बहुत सारी टीम जाएंगे, बहुत सारी टीम जाएंगे, हर्षल पटेल पे भी जाएगी, पर्पल पटेल। इसमें पडिकल का तो फायदा है, वैसे नुकसान आरसीबी का है, पडिकल का फायदा है और आरसीबी का नुकसान है, लेकिन देखिए टीम मैनेजमेंट भी कुछ ना कुछ सोच के फैसला ले रही होगी, क्योंकि 3 बल्लेबाज अगर आप रिटेन करेंगे तो फिर आपकी गेंदबाजी आपको, क्योंकि गेंदबाज हमेशा महंगे मिलते हैं ऑक्शन में, गेंदबाज हमेशा महंगे मिलते हैं, एक बात याद रखिएगा आप। तो और पडिकल हो सकता है कि 3-4-5 करोड़ में जाए और उनको लगता है कि इस अमाउंट में हम उनको वापस भी ले सकते हैं, लेकिन सिराज अगर ऑक्शन में गए तो वो महंगे मिलेंगे, ये बात कन्फर्म है। बिल्कुल, तो ये थी हमारी आज की सबसे बड़ी अपडेट। और इस बीच मैं ये भी बताना चाहूँगी कि देखिए अगर हम बात करते हैं प्लेयर्स की, तो यहाँ बॉलर्स को लेकर जो आप जैसा कि आपने कहा कि महंगे होंगे, तो हम सनराइजर्स हैदराबाद में जो राशिद खान बोल रहे हैं कि उनको पहले नंबर पर रिटेन करने के लिए, तो इससे हमें पता चल रहा है कि वो भी बॉलिंग को इतना प्रेफरेंस देना चाह रहे हैं वो कि पहले नंबर पर। बाद में भी जो लड़ाई है वो यही है, क्योंकि केन विलियमसन बल्लेबाज हैं और कप्तान मटेरियल भी हैं और एक शानदार खिलाड़ी हैं केन विलियमसन, उन्होंने अपनी टीम को के लिए जितना पिछले 3-4 साल में किया है वो बड़ा कमाल का प्रदर्शन रहा है, जिस तरह से न्यूजीलैंड खेल रही है वो आप देख रहे होंगे, तो इसीलिए बल्लेबाज को थोड़ा ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है अगर रिटेन की बात करें। लेकिन पडिकल को लेकर अगर मैं बात करूं, 2-3 साल अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2020 में शायद शामिल हुए थे आरसीबी की टीम में, वो 2021 में खेले और दोनों ही सीजन में उन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया, बहुत रन बनाए हैं आरसीबी के लिए शुरुआत में पारी को शुरू करते हुए, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि पडिकल को 4th नंबर पर आप रख सकते थे। आप नंबर किसको हटाते हैं, मैक्सवेल को? अब एक तो विदेशी खिलाड़ी होना जरूरी है, एक तो विदेशी खिलाड़ी होना जरूरी है, अब हटा दे युजवेंद्र चहल को, कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, मैं इस बारे में नहीं कहना चाहूंगा, बताइए बताइए। जो टक्कर थी ना हर्षल पटेल, शायद मुझे लगता है पहले ही बाहर हो गए थे, आज सिराज और पडिकल इन दोनों के बीच में ही थी और शायद हो सकता है कि सिराज बाजी मार जाए। बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, हम देखिए अभी तक ये कंफर्म तो नहीं हुआ है, अब कुछ ही सवाल और खड़ा हो गया, इसके साथ एक सवाल और खड़ा हो गया कि अगर कोहली की नहीं चल रही है, तो एक सवाल मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा, अगर कोहली की नहीं चल रही है तो फिर किसकी चलिए, क्या मैनेजमेंट का ये फैसला है या फिर किसी नए कप्तान से बात हो चुकी है, अभी उसका खुलासा नहीं हुआ है, उस नए कप्तान ने बोला है कि भैया मुझे तो गेंदबाज चाहिए बल्लेबाज नहीं। देखिए मुझे भी ऐसा लगता है, विराट कोहली ने कप्तानी छोड़ दी है, अब विराट कोहली ने कप्तानी छोड़ दी है तो बड़ा खिलाड़ी हमेशा यही करता है कि देखिए मैं अब इस रेस्पॉन्सिबिलिटी से बाहर हूँ,
आपको जो डिसीजन लेना है आप ले लीजिए, मैं जब तक कप्तान था मैंने आपको आइडियाज दिए। हाँ देखिए, वो आइडिया दे सकते हैं लेकिन वो इंटरफेयर नहीं कर सकते या वो अपनी डिमांड नहीं बता सकते विराट कोहली। अब हाँ, अनुभवी खिलाड़ी है, सबसे बड़े बल्लेबाज है, भारत के कप्तान हैं, तो सलाह तो दे सकते हैं, लेकिन सलाह देना और इंटरफेयर करना या डिमांड करना तीनों अलग अलग चीजें हैं। तो इस बीच हम क्या समझे कि एक अभिषेक, इस बीच हम क्या समझे कि नया कप्तान से बातें चल रही है टीम मैनेजमेंट की, कि जो नया कप्तान है ना वो ओपनर भी है, क्योंकि ओपनर को आप छोड़ रहे हैं, इसीलिए ये आप समझ लीजिए ये इशारे हैं, इशारों को समझो तो बेहतर होगा भविष्य। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जो नया कप्तान है ना वो ओपनर है। चलिए, ये तो थी हमारी आज की अपडेट। आप भी हमें कमेंट करके बताइएगा जरूर कि आपको क्या लगता है, देवदत्त पाडिकल को रिटेन नहीं करना चाहिए था, और अगर नहीं तो उसका आंसर भी दीजिएगा हमें कि क्यों, और नए कप्तान के तरफ जो हमने इशारा किया है आप जरूर हमें बताइए कि आपको क्या लगता है कौन बन सकते हैं आरसीबी के नए कप्तान। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा, और अगर आपको हमारा वीडियोस पसंद आता हो तो प्लीज हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।